नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। इंटर का टॉपिक है, इंटर फाइनल का, और आज मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, उसके टॉपिक बताएंगे कि टॉपिक मीन्स टाइप, टॉपिक नहीं टाइप मतलब प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए मैं देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में बता दिया है, पिछला वीडियो देखिएगा। हम उसके टाइप के बारे में बताएंगे। पहला टाइप है द्विविभाजन, द्विविभाजन, द्विविभाजन मीन्स बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिछले वीडियो में बताया था, अब हम पढ़ाएंगे उसके टाइप के बारे में। कई टाइप के होते हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाई चलते रहेंगे। तो द्विविभाजन बाइनरी फिजन, देखिए अलैंगिक जनन में मातृ कोशिका अनुकूल परिस्थिति आने पर अपने आप को दो बराबर भागों में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। और ये डिवाइडेशन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, मतलब माइटोसिस के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। और ये द्विविभाजन जो होता है, तो मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है, और इस निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो मातृ कोशिका होती है, मदर सेल्स होता है, वो अपने आप में क्या होता है, दूसरे जीवों में अपना अस्तित्व को विलीन कर देता है। उसकी मृत्यु नहीं होती है, पर वो एक जो दूसरा जीव है ना, उसमें जो है डिवाइडेशन हो जाता है, उसका डिवाइडेशन कर लेता है अपने आप को, तो इसलिए उसका अस्तित्व यहीं पर समाप्त हो जाता है मदर सेल्स का, और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसी को कहते हैं द्विविभाजन। अब द्विविभाजन में अब हम आते हैं, देखते हैं अलग अलग जीवों का वो होता है, ठीक है, अलग अलग जीवों का होता है, अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि किस प्रकार से वो जीव जनन करता है। जैसे अमीबा का रख लो, पैरामीशियम का रख लो, युगलेना का रख लो, तो ये सब एक कोश के जीव होते हैं। जैसे कि पहले भी बताया था कि जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटे जीव आते हैं, है कि नहीं, छोटे जीव आते हैं, और जो एक लिंगी होते हैं, मतलब एक जीव अपना जो है अस्तित्व बढ़ा सकता है, ऐसे जीव आते हैं। तो देखते हैं फिर ये सरल द्विभाजन, सरल विभाजन। अब हम का डालते हैं, चाहे ए बी कर लो कोई बात नहीं, ए बी कर लो। ए में क्या होता है, इसमें सरल द्विभाजन होता है। क्या होता है, सरल द्विभाजन। ए नंबर है सरल द्विभाजन, सिंपल बाइनरी फिजन। ये तो बेटा आपको पता हो गया ना, बता दिया, रिवर्स करके देख लेना। सरल द्विविभाजन में बता रहा हूँ,
सरल द्विभाजन में ऐसा होता है कि ये जो सेल्स होती है ना, सरल द्विभाजन में मैं बता रहा हूँ कि अमीबा ए, अमीबा सरल द्विभाजन में अमीबा के बारे में बता, तो ये सरल द्विभाजन अमीबा में मैं बता रहा हूँ कि यह प्रक्रिया, सरल द्विभाजन की प्रक्रिया अनियमित आकार की होती है, अनियमित, इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई पता नहीं होता है कि किस दिशा में हो इसका जनन, ठीक है। जैसे अभी मैं जब फिगर के माध्यम से बताएंगे ना तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए सिंपल द्विभाजन, अब आते हैं हम अपने डायरेक्ट फिगर पर आते हैं, फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी इंटरफेस करेंगे फिगर के माध्यम से, देखिएगा। देखिए बच्चों इंटरफेस हुआ, अब देखिए ये चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है। बायोलॉजी का मतलब ही होता है कि जब तक फिगर देखा नहीं जाता तब तक उसका जो है कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। अब देखिए मैंने क्या लिखा था, सिंपल द्विभाजन में, सरल द्विभाजन में मैं अमीबा के बारे में चर्चा कर रहा था, ये अमीबा है, अमीबा में जनन है ना, तो देखो अमीबा में जनन कैसे होता है, अमीबा का कोई आकार तो होता नहीं है, तो पहले देखिए पहले स्टेप में अमीबा का ये चित्र है, तो ये कोशिका कला है, कोशिका कला जानते हो ना कि कोशिका के चारों ओर कोई सेल्स है तो उसके चारों ओर जो कवर होती है ना उसी को कहते हैं कोशिका कला, कोई सेल होती है, सेल मीन्स कोशिका, तो कोशिका के चारों ओर जो मतलब कवर करके रखता है एक पतली सी चादर के रूप में उसी को कहते हैं कोशिका कला। फिर उसके कोशिका कला के अंदर इसमें जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य होता है ना, तो इसमें देखिए केंद्रक कला, ये केंद्रक है, सेंटर है, तो केंद्रक कला, ये जो मैं बनाया हूँ ना, ये है केंद्रक, ये जो मैंने केंद्रक कला लिखा है ना, केंद्रक कला ये बाहर है, केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर जो घूम करके उसको कवर करती है ना, एकदम उसका आकार और आकृति देता है, उसी को कहते हैं केंद्रक कला, यानी कि सेंटर को मतलब सेफ एंड साइज रखने का काम करता है ये केंद्रक कला। इसके केंद्रक कला के अंदर क्या है, क्रोमेटिन धागे जिसे कहते हैं, इसी को कहा गया है ना क्रोमेटिन सूत्र, मतलब गुण सूत्र, ठीक। तो ये हुआ पहला, ये तो स्ट्रक्चर था अमीबा का। दूसरे स्टेप में देखो क्या हुआ, इसकी जो है केंद्रक कला जो है नष्ट हो गई, देखो यहाँ पर लिखा है ना केंद्रक कला, यहाँ पर ये नष्ट हो गई, ये जो था ये बाहर का कवर जो है नष्ट हो गया, क्योंकि इसमें अब जनन होने की प्रक्रिया क्या हो गई, चल रही है, जनन होने की प्रक्रिया इसमें चल रही है, तो ये गुणसूत्र हुआ, अंदर में गुणसूत्र है, अभी गुणसूत्र जा करके अंत में जा करके जो वो क्या होगा कि कोशिका द्रव्य होगा ना वो एकदम विभाजित हो जाएगा, तो गुणसूत्र जो है दोनों में बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो देखो नष्ट होती केंद्र का कला, ये दूसरे नंबर पर आ गया। तीसरे नंबर पर आइए देखते हैं कि ये बहुध्रुवीय केंद्रक तर्व, मैंने बताया था ना अभी तुरंत जस्ट बताया था पीछे कि इसका कोई दिशा और आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, दिशा इसमें निश्चित नहीं होती है, किसी भी दिशा में इसका हो सकता है, देखो इसमें एकदम ब्लर किया है ना आगे पीछे, एकदम क्या हुआ जिग-जाग संरचना बनी है। तो ये जो है संतत गुणसूत्र क्रोमैटिन, ये संतत गुणसूत्र क्रोमैटिन है, बहुध्रुवीय मतलब कई ध्रुवों में ये जा रही है। और फिर चौथे नंबर पर आइए प्रारंभिक अवस्था, ये जनन की प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर चल गई, क्योंकि यहाँ पर तीन स्टेप पर इसकी प्रक्रिया चली, अब यहाँ से तुम्हें अलग अलग दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखो गुणसूत्र यहाँ बना कि नहीं, धागे साथ संरचना, इसको जब अगर जूम करोगे ना तो उसमें इंटरफेस होगा तुम्हारे उस पर स्क्रीन पर एकदम दिखाई देगा, धागे साथ संरचना मैंने बनाया हूँ। त्रिध्रुवीय केंद्रक तर्क मतलब तीन ध्रुवों में ये विभाजित, एक दो और नीचे धस गई है तीन,
प्रारंभिक अवस्था है। फिर देखिए ये पांचवी अवस्था में क्या है, अंतिम प्रावस्था। जो प्रारंभिक अवस्था है ना, प्रारंभिक अवस्था का अंतिम अवस्था यहाँ पर आ गया। प्रारंभिक अवस्था जो स्टार्ट हुई है उसका अंत होने वाला है। तो पांचवी अवस्था प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था की अंतिम अवस्था। ये जो क्रोमेटिन धागे है ना, ये गुणसूत्र क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना, अलग हो गया धागा, धागा अलग हो गया। अब फिर छठे स्थान पर देखते हैं अत्यावस्था। अत्यावस्था में संतत केंद्रक यानी कि केंद्रक, पीछे आ जाओ, ये जो सेंटर मैंने बनाया था ये केंद्रक, इसमें जो गुणसूत्र अलग हुए तो ये केंद्रक दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्या हुआ, दो भागों में डिवाइड हो गया ना, तो ये जो गुणसूत्र थे तो गुणसूत्र भी अलग हो गए और ये एक संतति इधर बना दिया, एक संतति इधर। पहले ही फर्स्ट स्टेप पर मैंने क्या बताया था कि इसमें दो संतत पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, होता है कि नहीं होता है, दो संतत पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर आ जाओ, अभी ये इसका साइटोप्लाज्म जो है अलग नहीं हुआ है। अब ये देखिए सातवें स्टेप पर आकर के ये जो है अलग हो गया, एक एक जीव इधर बन गया और एक जीव इधर बन गया, दो जीव की का निर्माण हुआ कि नहीं। अब देखो संतत अमीबा, संतत मीन्स क्या होता है, संतत मीन्स एक स्वतंत्र अमीबा का निर्माण हो गया। कैसे हुआ, गुणसूत्र यहाँ भैया, केंद्रक भी यहाँ, केंद्रक अलग हो गया, यहाँ पर केंद्रक अलग हो गया। फिर क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होती है ना, कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं जीव द्रव्य ना, कोशिका द्रव्य विभाजन, एकदम ध्यान से देखिए, कोशिका द्रव्य जो इसमें कोशिका का द्रव्य भरा हुआ है वो अलग अलग दो भागों में विभाजित हो गया और हमारी संतत को, संतत अमीबा का निर्माण हो गया। समझ में आया, चलो अच्छी बात है। तो इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बारे में हम दूसरे प्रकार का जो है वो बताएंगे, ठीक है, दूसरे प्रकार का वो बताएंगे, ठीक है, उसको ले लीजिए। चलिए आइए, फिर इसका स्क्रीनशॉट हो गया, फिर आइए दूसरे टाइप का बताते हैं कि यह अब किस में होता है। ये तो अमीबा का जनन मैंने बता दिया कि अमीबा जनन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है। अब हम आते हैं किसमें, अब आ जाते हैं हम युगलीना। युगलीना में द्विविभाजन किस चीज में बेटा, युगलीना, ये बी बी है ना, अब की बी बताएंगे, बी वाला युगलीना। युगलीना में इसमें अब आएंगे लंबवत, लंबवत द्विविभाजन, ठीक है, लंबवत लंबवत द्विविभाजन, लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इंग्लिश बहुत मस्ट है, आगे इंटर के बाद फिर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, हिंदी का कोई नामो निशान नहीं होगा, इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको इंग्लिश पूरी की पूरी नहीं समझ में आती, इसीलिए मैं दोनों लिखता हूँ। लंबवत द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन में किसमें आएंगे हम, युगलीना, युगलीना, ठीक है, युगलीना। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से सीधा सीधा देखते हैं, ठीक है, अभी तुम्हारे स्क्रीन पर इंटरफेस करके मैं चित्र के माध्यम से डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखिए बच्चों आ गया ना, इंटरफेस हो गया ना फिगर, ये किस चीज का फिगर है, ये युगलीना का फिगर है,
युगलीना आइए देखते हैं कैसे ये जनन करता है। ये युगलीना एक तुम्हारा मैच्योर युगलीना है, मैच्योर युगलीना है। इसमें क्या है, ये क्या है, केंद्रक है ना, ये आर्यकाय है। आर्यकाय ये होता है जो फ्लेजला यानी कि कशाभिका होती है, कशाभिका, कशाभिका यही विभाजन करती है। पहले इसका डिफिनेशन मैं दे देता हूँ। देखिए इसमें लंबवत विभाजन होता है। लंबवत में क्या होता है, ऐसे ऐसे लंबवत, खड़ा खड़ा जिसे कहते हैं, लंबवत विभाजन होता है। और पहले इसमें कशाभिका का विभाजन होता है, पहले इसमें कशाभिका का विभाजन होता है। लंबवत विभाजन होता है लेकिन कशाभिका का, कशाभिका कौन है देख रहे हैं, ये कशाभिका है, ये जो फ्लेजला है ना, तो ये क्या है, ये फ्लेजला है ना, यही फ्लेजला पहले विभाजित होता है। फ्लेजला विभाजित होगा फिर क्या विभाजित होगा, केंद्रक विभाजित होगा। देखो इसमें सीधा सीधा मैंने बता दिया है कि पहले जो मैच्योर सेल्स होती है लंबवत विभाजित होती हैं, उसके बाद इसमें केंद्रक फ्लेजला के विभाजन से इसका जनन स्टार्ट होता है। फ्लेजला विभाजित होती है फिर क्या विभाजित होती है, केंद्रक विभाजित होता है। फिर केंद्रक विभाजित जैसे होता है ये दो मात्र सेल्स में टूट जाता है, डाटर यानी कि डाटर सेल्स में टूट जाता है। देखिए ये विभाजन हो रहा है ना, दूसरे स्टेप में देखिए इसका विभाजन हो रहा है, ये दो दो फ्लेजला बने ना, ये दो फ्लेजला बने, एक इधर इधर एक इधर, इसमें एक ही था इसमें दो हो गया। पहले इसका विभाजन होता है बाद में इसका, केंद्रक है ना, केंद्रक है, दूसरे स्टेप में क्या आया, दो केंद्रक विभाजित हो रहा है। जो सेंटर है न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है, वो दो बराबर भागों में विभाजित होगा, संकीर्ण हो रहा है, यानी कि वो संकीर्ण अपने आप में बीच से ये एकदम संकुचित हो रहा है। जैसे बीच में संकुचित होगा वो दो मुट्ठी के आकार की वो निकल जाएगा, ऐसे देखो ये दिखाई दे रहा है। फिर तीसरे स्टेप में क्या आ जाएगा, देखो एकदम अलग हो गया कि नहीं, एक युगलीना एक स्वतंत्र युगलीना इधर निकल गया, ये रख लो लेते हैं बी, ये रख लेते हैं ए, दोनों हो गए ना, एक केंद्रक स्वतंत्र यहाँ आ गया, पहले यहाँ केंद्रक था तो एक केंद्रक ये वाला इधर आ गया केंद्रक का, और इधर फ्लेजला का, यानी कि जो टेल होती है पूंछ मॉडल उसे फ्लेजला कहते हैं या इसे कहते हैं कशाभिका। इसी से ये लोकोमोशन भी करता है, ये भी जान लो ठीक है, इसी से ये लोकोमोशन भी करता है यानी कि गति करता है। इसको जैसे जैसे ये इसको मतलब टर्न करेगा ना, हिलाएगा, तैसे तैसे ये अपना लोकोमोशन करता रहेगा। तो ऐसे इसमें विभाजन होता है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा युगलीना में विभाजन, युगलीना जैसे विभाजित होता है अपना जनन कर लेता है। अब हम तीसरा स्टेप बताने जा रहे हैं, तीसरा स्टेप क्या होता है, देखिए लंबवत दो दो जीवों के बारे में बता दिया, अब इतना बहुत है, अब ज़्यादा ना पढ़ो, बस इसी आधार पर आगे बुक में है, बाकी समझते चले जाना। फिर हम अगला स्टेप में देखते हैं कौन सा है, और बस इतना, बस बाकी ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ना तो बोर हो जाओगे, ठीक, इतना आप याद करिएगा ठीक है। जहाँ पर आपको समझ में ना आया हो वहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जहाँ पर कोई छोटा अक्षर होगा या कहीं मिस्टेक होगा तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है सब्सक्राइब करिएगा, इसको और बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है ना, तो विद्यालय तो सारे बंद हैं, इसीलिए जितने बच्चों के पास हो सके इसको प्रोवाइड करते रहो, इसको शेयर करते रहो, और अपना भी लाभ उठाते रहो, दूसरे का लाभ भी देते चलो ठीक है। सहजीवी जीवन को चलाते हुए ना, सहजीवी जानते हो कि हमें भी लाभ हो तुम्हें भी लाभ हो, ना आपका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, तो दोनों का चलता रहे। और जहाँ कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें आपको सुझाव अगर अच्छा लगा तो वो भी लिखिए, अगर उसमें कोई सुझाव है तो वो भी लिखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।